समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 11 दिन बाद एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और इसे बीजेपी की चालबाजी बताया है। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव सपा को मंजूर नहीं है। एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण के फैसले पर अखिलेश यादव की अचानक सक्रियता से यूपी के सियासी गलियारों में दो सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव ने मायावती के दबाव में एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, और दूसरा सवाल ये कि अखिलेश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर कौन सा राजनीतिक हित साध रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे पोस्ट में अखिलेश यादव ने आरक्षण को प्राणवायु और संजीवनी बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विघटन। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अनगिनत पीढ़ियों से चल रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तन से पार्टी नहीं जा सकती। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण को सशक्त बनाने की जरूरत है, न कि इसके प्रावधानों में बदलाव करने की। सपा सुप्रीमो ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। ये मुद्दा जब विकराल हो जाता है तो दिखावटी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है। अपने पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। दरअसल शनिवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एससी एसटी आरक्षण को लेकर सपा और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाया था। मायावती ने कहा था, जो लोग संविधान बचाओ के नाम पर लोगों से वोट ले रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप हैं। दलित समुदाय के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो पहली अगस्त को जो अभी ये जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% है। इनमें सबसे ज्यादा जाटव 11% है। इसके अलावा पासी करीब 3.5%, कोरी करीब 1%, धोबी करीब 1% और खटिक, धनकर, वाल्मीकि समेत अन्य जातियां 4.5% हैं। राज्य में लोकसभा की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। ये कुल 80 सीटों का करीब 21% है। बात विधानसभा की करें तो दलितों के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये भी कुल 403 सीटों का 21% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला हिट भी रहा। इंडिया गठबंधन को दलितों के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटों पर जीत मिली। CSDS के मुताबिक 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को जाटव समुदाय के 25% और नॉन जाटव दलितों के 56% वोट मिले। दूसरी तरफ NDA गठबंधन को जाटव समुदाय के 24 और नॉन जाटव दलित के 29% वोट मिले। वहीं मायावती को जाटव बिरादरी का 44% वोट तो मिला, लेकिन नॉन जाटव दलित को मायावती साथ नहीं पाई। इस समुदाय के सिर्फ 15% वोट ही मिले। उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर नवंबर में उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इन सीटों में कुदरकी, करहल, कटेहरी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझुआ, मीरापुर, मिल्कीपुर और सीसामऊ शामिल हैं। इनमें से 5 सीटें अभी तक NDA गठबंधन और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें मिल्कीपुर और खैर सीट दलितों के लिए रिजर्व है। वहीं कटेहरी, मझुआ, फूलपुर और करहल सीट पर दलित जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोकसभा में मिली सफलता को अखिलेश यादव इन उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही अखिलेश यादव अपने पीडीए के फॉर्मूले को कमजोर नहीं होने देना चाहते। यही वजह है कि अखिलेश दलितों पर वही स्टैंड ले रहे हैं जो मायावती ने लिया है।